तो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इसमें यूज ऑफ प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है, जैसे ही वॉन्ट टू जयपुर लास्ट मंथ, तो ये नॉमिनेटिव केस है ही और इसको सही है सेंटेंस। लेकिन अगर यहाँ पर हो जाए हीज वॉन्ट टू जयपुर लास्ट मंथ, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउन किसी कंजक्शन एंड और इट्स से जुड़े हों, तो वे नॉमिनेटिव केस में होते हैं। जैसे नॉमिनेटिव केस में होगा तुम्हारा यू एंड ही आर गुड फ्रेंड, ये बात सेंटेंस सही है। लेकिन यू एंड हिम आर गुड फ्रेंड, ये बात गलत है, क्योंकि किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन कंजक्शन किसी कंजक्शन एंड से जुड़े का प्रयोग, तो इसमें तो एंड से जुड़ा है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में एंड से जुड़ा है, लेकिन नॉमिनेटिव केस नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस बन गया है, ही का हिम हो गया है, तो इसलिए गलत है। तीसरा केस क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या एक प्रोनाउन कंजक्शन एंड से जुड़े हों, तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे करिश्मा एंड आई गो टू कॉलेज इन एवरी डे, तो देखो करिश्मा क्या है, किसी सेंटेंस के वर्ब में सब्जेक्ट के रूप में है करिश्मा, जो कि एक नाउन है, और कंजक्शन एंड से जुड़ा है क्या, एंड आई क्या है, आई तुम्हारा प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है, तो जुड़े हो तो मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जो हो तो ये रूल होता है। ठीक है, अगला रूल देखिए, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में प्रोपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, जैसे आई प्रिफेयर योर कंपनी टू हिम हर, तो टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये क्या है, बोल रहा है रूल में पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के प्रीपोजिशन के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तो टू क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये बात गलत है, आई प्रिफेयर टू योर कंपनी टू हर, ठीक है, टू हर, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, हर क्या है, ऑब्जेक्ट है। माई प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, ठीक, माइन क्या है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन बना जो कि रूल के अनुसार है कि प्रीपोजिशन प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, अगला रूल देखो, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग इन्फिनिटिव टू वर्ब के रूप में होता है। ठीक है, प्रोपोजिशन प्रीपोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग इन्फिनिटिव प्लस वर्ब सब्जेक्ट के रूप में होता है, जैसे मिस्टर ठाकुर अलाउड टू हिज चिल्ड्रन टू म्यूजिशियम, तो यहाँ पर ये बात सही है, क्योंकि मिस्टर ठाकुर अलाउड टू हिज चिल्ड्रन टू हर गो टू, मतलब हर क्या है, पोसेसिव है ना, तो इसलिए सही है। इट का प्रयोग टाइम वेदर टेम्परेचर डिस्टेंस अन्य प्राकृतिक घटना को व्यक्त करने के लिए इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होता है, इस केस में इट को इम्पटी कहा जाता है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे इट इज़ रनिंग, आज बारिश है, ठीक है, इट इज़ मार्च, आज मार्च है, इट इज़ टुडे, मतलब टाइम को, वेदर को, टेम्परेचर को, डिस्टेंस को, मतलब एनी जो नेचुरल इवेंट होता है उसको व्यक्त करने के लिए सब्जेक्ट के रूप में होता है। नेचुरल इवेंट जैसे कल साइक्लोन, मतलब बाढ़ है, इट इज़ टुडे साइक्लोन, कल बाढ़ है, तो ऐसे होगा। इट का प्रयोग इन्फिनिटिव या क्लेश के रूप में भी होता है। ठीक है, तो अगला रोल देखिए, ऐसे ही देख लीजिए। ठीक है,
देखिए, इन्फिनिटिव प्रोनाउन अनिश्चित वाचक संज्ञा, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नून, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नोथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, मच, फ्यू, ये सब इन्फिनिटिव अनिश्चित वाचक संज्ञा सर्वनाम है, ठीक है। जबकि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, होम, हुज, विच, वाट, ठीक। इंट्रोडक्टिव प्रोनाउन क्या है, जो इंट्रो देते हैं, जैसे हु, होम, हुज, विच, वाट, ये प्रश्न पूछने में प्रयोग होते हैं। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या है, जैसे वाट, वाट का प्रयोग सेंस या सरप्राइज को एक्सप्रेस करने में किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यार, काइंड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रोनाउन जो है कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ इसमें दिया गया है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक संज्ञा, जैसे आई, मी, वी, अस, यू, ठीक, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, ये सब पुरुषवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब पोसेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकारवाचक संज्ञा क्या है, जैसे माइन, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये अधिकारवाचक संज्ञा है। जबकि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, संकेतवाचक संज्ञा, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, तो ये सब संकेतवाचक संज्ञा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, जो जो व्यष्टिवाचक संज्ञा क्या है, जैसे इच, इधर, निधर, ठीक। रेसिप्रोकल का प्रोनाउन क्या है, पारस्परिक संबंधवाचक संज्ञा क्या है, जैसे इच अदर, ठीक है, वन अदर, वन एन अदर। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, निजवाचक संज्ञा, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, ये सब निजवाचक संज्ञा है, ठीक है। इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या है, दबाव सूचक संज्ञा क्या है, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ठीक है, वन सेल्फ। सब्जेक्ट के रूप में कर्ता को इम्फेस, दबाव या जोर देने के लिए किया जाता है, इम्फेसिंग प्रोनाउन कहते हैं। इम्फेसिव प्रोनाउन समानता सब्जेक्ट के रूप में तुरंत बार लगता है, ठीक है। तो ये सब काइंड ऑफ प्रोनाउन हो गए आपके। अब ये देखो यार, ये तो मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ।